कुशीनगर पुलिस कप्तान के निर्देश पर अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान में उप निरीक्षक आलोक कुमार द्वारा मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। क्षेत्रीय अधिकारी सदर नितेश प्रताप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। आज सुबह सब इंस्पेक्टर आलोक कुमार के द्वारा स्कूलों और कोचिंग संस्थानों की चेकिंग की जा रही थी। वहाँ पर रेलवे स्टेशन भूतनाथ कॉलोनी के पास तीन व्यक्ति एक स्कूटी पर सवार मिले। जब उनसे पूछताछ की गई तो मामला संदिग्ध लगा और स्कूटी के कागजात के बारे में पूछा गया तो वो दिखा नहीं सके। जब मामला संदिग्ध पाया गया, उनसे पूछताछ की गई तो ये पता चला कि इनके द्वारा स्कूटी को चोरी किया गया था। और फिर जब और इसमें गहन तरीके से पूछताछ की गई तो इनके द्वारा दो और बाइकों जो चोरी की गई थी उसके बारे में जानकारी मिली। इस बाइक को भी, जो चोरी की बाइकें, उनको भी बरामद कर ली गई हैं। और एक ऐसे गैंग का खुलासा हुआ जो लगातार क्षेत्र में घूम करके बाइक चोरी कर रहा था, उनको पकड़ा गया है। ये कहाँ डंप करते थे गाड़ियों को, चोरी की गाड़ियों को, कैसे, क्या इस तरीका था इन लोगों का, कहाँ ले जाकर डंप करते थे? ये लोग पटरौना क्षेत्र में आके जैसे चोरियाँ करते थे तो उसके बाद ये सेवरही में ले जा करके वहाँ पर ये गाड़ियाँ रखते थे। ज्ञान प्रकाश और रवि मिश्रा नाम के लोग हैं जो सेवरही क्षेत्र के रहने वाले हैं, इनके द्वारा ये चोरी की जाती थी और वहाँ ले जाके डंप करके फिर ये दूसरे जिलों में या अन्य बगल के राज्य में जाके गाड़ियाँ बेचते थे। नागौर जिले के परबतसर शहर में नवरात्रों के दौरान माँ दुर्गा की आराधना डांडिया और रास गरबा की गई। इसके लिए जगह जगह तैयारियां की गई। गरबा में महिला व बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बाड़मेर जिले के उपखंड सेंडवा के ग्राम पंचायत चलकाना में सरकारी विद्यालय के अध्यापक मोटाराम के ट्रांसफर को लेकर जनता व विद्यार्थियों ने सरकारी विद्यालय के मुख्य गेट को ताला जड़ दिया और धरना प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि इस अध्यापक की वजह से ही हम अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में भेजते हैं, इनका ट्रांसफर नहीं होने देंगे हम। उत्तर प्रदेश के बलिया जिला में बसडी तहसील क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा डुहिया में स्थित मोदी झील पर बने पुल को करोड़ों रुपयों की लागत लगी है, लेकिन इसकी क्रॉसिंग करने वाले दोनों रास्ते पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। इस पुल से लगभग 2 दर्जन गाँव के लोगों का रोजाना यहाँ आना जाना रहता है। सड़क टूटने की वजह से कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। मैं सुल्तानपुर से अंजनी सिंह, और हमारे गांव के मंदिर पे पुजारी के रूप में पंडित जी वहाँ हैं और इनका घर यहाँ दुनिया में ही है। ये पर डे इस रास्ते से आते जाते हैं, क्योंकि साइकिल है, टार्च है, रोशनी है, और रोड की स्थिति ये हुई है पुल के अगल बगल कि कभी भी गिर के आदमी मर सकता है। इसमें निस्संदेह कोई कहीं संदेह नहीं है। इस विधानसभा के विधायक माननीय रामगोविंद चौधरी जी, नेता प्रतिपक्ष होते हुए भी इस क्षेत्र में वोट मांगने सभी लोग आते हैं, मगर एक मात्र एक व्यक्ति जिनका नाम है डॉक्टर डीके शुक्ला जी, वह एक भाजपा के छोटे से कार्यकर्ता के रूप में होते हुए भी जनता की समस्याओं से हमेशा रूबरू हुआ करते हैं। और सदैव उन्होंने ये चाहा है कि मैं जन समस्याओं को कितना समाधान कर दूँ, ये प्रयास हमेशा उनका रहा है। जैसे ही आज उन्होंने ये देखा आके, और ये प्रयास इनका है कि शासन तक ये बात पहुँचे और लोगों को यातायात में सुविधा हो। ये आम जनता के लिए एक मौत का निमंत्रण है, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, जनप्रतिनिधियों को ध्यान देना चाहिए कि जनताओं की समस्या, ये जो बहुत बड़ी समस्या है, छोटी बात नहीं है। आज सुविधा होते हुए भी सुविधा से वंचित लोग हैं, चूँकि जब रास्ता ही नहीं रहेगा तो कोई व्यवस्था ही नहीं रहेगी। आज अगर कोई मरीज कूड़ा के 12-1 दर्जन गाँव में बीमार पड़ जाता है तो इस रास्ते के अभाव से 108 योजना के तहत गाड़ी जो है उसके दरवाजे तक नहीं पहुंच पाएगी। कोई विवाद हो जाता है, 100 नंबर की गाड़ी यहां से क्रॉस नहीं कर पाएगी। तो ऐसी स्थिति बनी हुई है इस क्षेत्र की। उत्तर प्रदेश के बलिया जिला में थाना बसडी रोड के अंतर्गत घगरोला गाँव बाढ़ की चपेट में आ गया है, जिससे वहाँ सैकड़ों लोग फंस गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिए थे कि हर बार क्षेत्र के लिए प्रशासन सहयोग करेगा, परंतु अभी तक प्रशासन द्वारा कोई राहत सामग्री नहीं पहुंची है यहाँ। पर्चे बताइए। मैं मनोज बिंद, भाजपा का मंडल उपाध्यक्ष हूँ और यहाँ का ग्राम सेवक हूँ जी। यहाँ इस गाँव में क्या समस्या है, क्या दिक्कतें हैं? यहाँ चारों तरफ से पानी से ये भर गया है, चारों तरफ से ये गाँव पानी से घिर गया है। और कितने लोग का मकान फंस गया, खाने के लोग मर रहे हैं, पशुओं के लिए दिक्कत हो रहा है। आपके कहने का तात्पर्य ये है तो गांव बाढ़ से ग्रसित हो गया है एकदम पूरी तरह से?
कितने लोग प्रभावित है इस बाढ़ से? अरे कम से कम यहाँ 1500 से 2000 लोग प्रभावित है। क्या यहाँ से प्रशासन नहीं है निकालने के लिए? यहाँ से एक लोग भी यहाँ झाँकने तकले नहीं आ रहे हैं, पूछने तकले नहीं आ रहे हैं। राहत सामग्री नहीं आपको मिल रही है? कुछ नहीं, कोई आता ही नहीं है देखने के लिए कि भी यहाँ के लोग कैसे हैं, तो राहत सामग्री कहाँ से बटेगा? यहाँ से प्रधान जी क्या कह रहे हैं? प्रधान यहाँ के तो एकदम निष्क्रिय हो गए हैं, वो तो यहाँ रहते ही नहीं है, बलिया रहते हैं, इस गांव से कोई मतलब रहता ही नहीं है। जो सरकार के जो मुख्यमंत्री ने हाल ही में बोल के गए जिसको जो नुकसान हुआ है भरपाई की जाए और 3 टाइम भोजन सारी व्यवस्था करने के लिए कह के गए थे? कह के गए थे, यहाँ नहीं कह के गए थे, दूसरे जगह कह के गए थे, लेकिन यहाँ भी कुछ नहीं मिल रहा है। हम लोग एकदम यहाँ तो लोग खाने के लिए पशुओं को कुछ खिलाने के लिए नहीं है, एकदम भूखमरी के कगार पर यहाँ लोग हैं। उधर लोग बोए थे वो सब भी पानी में डूब गया है, धान जनेरा सब बोए थे वो सब पानी में डूब गया है। बलिया जिले की ग्राम सभा मिर्जापुर में ग्रामवासियों ने ग्राम प्रधान पर आवास के नाम धांधली करने का आरोप लगाया है और कहा है कि ग्राम प्रधान आवास योजना का लाभ दिलाने के लिए 20,000 रुपए की मांग करता है। क्या क्या नाम पड़ेगा? राम अशीष जी। कहाँ कराने वाले हैं? मिर्जापुर। क्या आपकी समस्या है? हमारी समस्या यह है सर कि जो है पहली किस्त उतरी हमारा 40,000 उतार लिया। वो प्रधान को उसमें से पैसा नहीं दिया जी। हाँ दूसरका किस्त उतरा आया तो 70,000 गया, तो गया उतारने के लिए तो मना कर दिया बैंक पे। कौन मना कर दिया? प्रधान जो है वहाँ रोक लगा दिया। बैंक में कौन मना किया आपको? बैंक में जो है मैनेजर तक ले मना कर दिया। क्या बोल रहे मैनेजर? हाँ जो है प्रधान जो है साइन करा के लाइए तो पैसा उतरेगा। हमारे खाता आपका है, प्रधान किस बात का साइन है? तो सर यही तो हम आपने प्रधानी से पूछा कि मेरा पैसा नहीं निकल रहा है? वो बोलता ही नहीं हमसे। नहीं कुछ बोला होगा ना, आप गए होंगे तो। वो लफड़ा भी उसमें एक बार बोले उसे तो वो बोलता है कि तुम्हारी जमीन लफड़े में है, यहाँ रास्ता हमको चाहिए। लफड़ा किससे है आपका? कपिल देव। कहाँ कराने वाले हैं? मिर्जापुर। क्या दिक्कत है आपको है? हमारा दिक्कत ये है कि हम लोग से पैसा ले लिया है 25,000। कौन लिया? कमलेश। कौन है कमलेश? प्रधान निधि वाला है। प्रतिनिधि। हाँ कितने हज़ार लिए हैं? 25,000। 25,000 रुपये। हाँ अच्छा, आवास का पैसा है? हाँ आवास का पैसा। आदेश ग्राम मिर्जापुर। क्या जी क्या मामला है आपका? आवास का मामला है। क्या आवास का मामला है? सर मैं पहले किस्त उठाया तो प्रधान जी कमलेश जो है प्रतिनिधि अपने साथ लेकर गया, 25,000 रुपया मेरे से पहले किस्त में ले लिया है। तब मैं मेरे को मान लीजिए 15,000 रुपया 40,000 में से मिला है। दूसरी किस्त मैं 70,000 का उठाया, उसके बाद मैं तीसरी किस्त भी नहीं उठाने दे रहा था 10,000 का। मजदूरी तक ले नहीं आई, लैटरिन का पैसा तक ले नहीं आया सर। 17,000 मजदूरी था वो भी नहीं आया सर। हैं उसके बाद प्रधान से मैं बोला तो प्रधान मेरे को धमकी भी दे रहा था। क्या आपने शिकायत कहीं किया आपने? मैं कहीं नहीं, अनपढ़ आदमी सर मैं कहाँ शिकायत करूँ। धमकी दे रहा था कि रोड पे चलोगे तो भगत सिंह चौराहे पे उठवा लूँगा। हैं उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में राज्यपाल को लिखित शिकायत दी गई। वहीं वर्कशॉप ओपन में लूटपाट की जा रही है जिससे राज्यपाल जिला अधिकारी को निर्देश देते हुए अख्यात मांगी है। जिला अधिकारी ने DFO को जांच करने के लिए निर्देश दिए। अनूप सिंह जिलाध्यक्ष अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत पूर्व जिला प्रमुख विद्यार्थी परिषद वरिष्ठ छात्र नेता इलाहाबाद विश्वविद्यालय। क्या मामला है? देखिए DFO महोदय बेशक ईमानदार है, लेकिन उनके अधीनस्थों द्वारा जो लूट खसोट वृक्षारोपण के कार्यक्रम में लगाया जा रहा है वह प्रश्नचिन्ह है। राज्यपाल महोदय को मैंने इस बात से अवगत कराया, लिखित आवेदन भी दिया, जिसका वहाँ से प्रत्युत्तर आने के बाद जिलाधिकारी महोदय ने DFO महोदय को उस पर जाँच के लिए कहा। CDO महोदय गए थे, फिर लिपापोती का कार्यक्रम चलाया जा रहा है और जितने 5500 वृक्षों का सापेक्ष कार्यक्रम था मौके पर धरातल स्थिति यह है कि 2000 भी वृक्ष नहीं हैं और इसकी जाँच होनी चाहिए। पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह जी, पूर्व सांसद हरिनारायण जी तथा एक सामाजिक कार्यकर्ता आशुतोष जी ने इस बात को उठाया, उसका भी संज्ञान नहीं लिया गया। वृक्षारोपण के अभियान को इस प्रकार से जो मानवता से सीधा जुड़ा हुआ है किया जाएगा तो इसके खिलाफ आमरण अनशन की भी तैयारी ग्राहक पंचायत के लोग कर रहे हैं। जरूरत पड़ने पे पुनः व्यापक। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या करेंगे आप? अगर ऐसा नहीं होता है तो DFO महोदय के कार्यालय के समक्ष या जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय के समक्ष आमरण अनशन की तैयारी जन जागरण के माध्यम से किया जाएगा।
गाजियाबाद और नोएडा के लोगों को दिवाली पर भी पीने के पानी से किल्लत झेलनी पड़ेगी, क्योंकि सिंचाई विभाग द्वारा नहर की सफाई किए जाने के कारण 4 और 5 की मध्य रात्रि को गंगाजल की सप्लाई पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी, जिसके बाद लोगों को पीने के लिए गंगाजल मुहैया नहीं हो पाएगा। सर, हर साल की तरह इस बार भी नहर की सफाई की जा रही है और गंगाजल की जो सप्लाई है वो बाधित होगी, कब से होगी और क्या है पूरा जरा मैं विस्तार से जानना चाहूँगा। सिंचाई विभाग द्वारा यह सूचित किया गया है कि वार्षिक नहर बंदी के अंतर्गत 4 अक्टूबर और 5 अक्टूबर की मध्य रात्रि से 26 एवं 27 की मध्य रात्रि तक गंगाजल की जो सप्लाई है वो बाधित रहेगी, और यह बेसिकली आपकी सफाई, सिल्ट की सफाई एवं नहर की मरम्मत के लिए बंद रहेगी। तो ये हर साल ऐसे ही होता है? हर साल ऐसे। इस बीच में सर कोई वैकल्पिक व्यवस्था? वैकल्पिक व्यवस्था के लिए नगर निगम गाजियाबाद और गाजियाबाद विकास प्राधिकरण एवं नोएडा प्राधिकरण द्वारा अपने जो ट्यूबवेल वगैरह हैं, जो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हैं उनके, उससे उनकी व्यवस्था करेंगे। दिवाली का त्यौहार है, क्या लगता है आपको कि दिवाली पर लोगों को इस पानी से, गंगाजल से महरूम रहना पड़ेगा? जो अभी शासन द्वारा नहरबंदी की जो अवधि निर्धारित की गई है उसके अनुसार 26 से 27 की मध्य रात्रि को पानी अगर चालू हो जाता है समय अनुसार तो उपलब्ध करा दिया जाएगा, अन्यथा की स्थिति में थोड़ी सी दिक्कत होगी। सर, कितना कितना सप्लाई होता है, कहाँ कहाँ यहाँ से? तो यहाँ उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा 2 नग प्लांट, एक 50 क्यूसेक और 100 क्यूसेक क्षमता के प्लांट संचालित एवं रखरखाव किया जा रहा है। 50 क्यूसेक में से 20 क्यूसेक नोएडा को, 23.1 क्यूसेक नगर निगम को और 6.9 क्यूसेक GDA को दिया जा रहा है। इसी प्रकार 100 क्यूसेक गंगाजल परियोजना के अंतर्गत 80% नोएडा को, 15% GDA को और 5% आवास विकास को पानी दिया जा रहा है। वित्त मंत्रालय द्वारा सबका विश्वास योजना का संजय पैलेस स्थित आयुक्त कार्यालय एक्साइज में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, वहीं जिसका लाभ 31 दिसंबर से पहले आवेदक करने वाले उद्यमियों को मिलेगा। 30 जून 2019 से पहले जितने भी लंबित वादे होंगे उनका भी निस्तारण किया जाएगा। और इस सरकार के जो बड़ा, मैं मानता हूँ कि बहुत ही साहसिक कदम है एक तरह से, सरकार जिस समय पैसे के लिए जूझ रही है हमारी, उस समय 30% 100 रुपये के बदले लेना और भार मुक्त कर देना एक बहुत बड़ा साहसिक कदम है हमारे प्रधानमंत्री जी का, वित्त मंत्री महोदया का, और इसी उद्देश्य से इनको बुलाया गया है कि आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सहभागिता करें और इस स्कीम को सफल बनाएं। न्यू आगरा पुलिस ने भाजपा नेत्री की हत्या का खुलासा किया है। पुलिस को 27 सितंबर को थाना फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में भाजपा नेत्री परवीन का शव नहर में मिला था। वही पुलिस ने हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एक महिला का शव फतेहपुर सीकरी के पास से बरामद हुआ था, जिस संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 707/19 धारा 302/201 IPC में दर्ज की गई थी। आज उसका सफल अनावरण करते हुए उसके मुख्य अभियुक्त, जो अभियुक्त है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्त का नाम गुड्डू उर्फ आरिफ पुत्र मोहम्मद आबिद, ये भी थाना निवांगरा का रहने वाला है बताया जा रहा है। इनके बीच पहले से परिचय था और जैसा अभियुक्त ने बताया कि ये 25,000 रुपये की लेन देन का विवाद था जिसको लेकर के वो पैसों की मांग कर रही थी, और अभियुक्त पैसे दिलाने के बहाने उसको बैठा करके और फरह के आग के पास ले जा करके इसने नहर में डुबो करके इसको मार दिया। मारने के पश्चात नहर में ही बॉडी बहा दी, जो थाना फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में मिली। सर, ये महिला किसी राजनीति से संबंध कर रही थी? ऐसा बताया जा रहा है कि महिला राजनीतिक रूप से सक्रिय थी। कौन सी पार्टी? महिला राजनीतिक रूप से सक्रिय थी और जो अभियुक्त है उसके साथ इसका पुराना परिचय था। खबरों में बात करते हैं यूपी के सिद्धार्थनगर की, जहां पर सिद्धार्थनगर जिले में बांसी कोतवाली क्षेत्र के सुकरौली चौराहे पर SBI के ग्राहक सेवा केंद्र संचालक अनुराग चौधरी ने बताया कि वो SBI की DDS शाखा से 1,20,000 रुपये निकाल कर अपने ग्राहकों को देने के लिए जा रहा था,
जैसे ही अपने ग्राहक सेवा केंद्र पहुंचा तो पीछे से चार लोगों ने अंदर घुसकर कनपट्टी पर तमंचा तान दिया। इसी दौरान छीना झपटी में लुटेरों ने 59,000 रुपये लेकर फरार हो गए। दिन दहाड़े लूट की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने लूट की जांच शुरू कर दी। और यहाँ पर कैसे लूट के लेके चले गए, कैसे थे वो लोग देखने में? हेलमेट पहना हुआ था, लोगों ने हेलमेट पहना हुआ था, उसके लिए चेहरा नहीं दिखाया। उस समय आप कहाँ थे? हम बगल के होटल पे चाय पी रहे। आप लोगों ने शोर मचाया? जब तक शोर मचाते तब तक वो लोग असला लगाते हुए भाग। फिर चोर आए लेके चले गए पैसा। कितनी संख्या में थे? हम लोग सब दूर में थे सर। किस साधन से थे वो? बाइक से थे। बाइक से? तो आप लोग कहाँ थे उस समय? वो थोड़ी दूरी पे है सर, वहाँ हमारा दुकान है पानी का। जब तक आप लोग आए तब तक वो? जब तक हम लोग आए जब तक वो निकल गया। ये संचालक है यहाँ पे SBI का, ग्राहक सेवा केंद्र है। उनके बताना है कि यहाँ पर उनके पास जब वो पैसा लेके आए थे अपना मेन ब्रांच से, तो कुछ लड़के आए और उनसे जो पैसा लेके आए थे वो उनसे छीन के ले गए। सर कितनी के छिनौती हुई है? अभी उनसे बात कर रहे हैं, वो अपना रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं, पर संभवतः लगभग 55,000 59,000 के आसपास वो बता रहे हैं, लेकिन अभी क्लियरली उन्होंने कुछ बताया नहीं है।